नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। घर के बारांदे में सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। घटना वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के आयर बाजार शिवरामपुर मोड़ के पास का है, जहां 35 वर्षीय विनय जायसवाल नामक युवक की हत्या हुई। एक सप्ताह में हुई दूसरी हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। एसपी ग्रामीण के मुताबिक युवक शराब का आदी था, जिस वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई थी। परिवार वालों की न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही झगड़े की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। देखिए हमारे संवाददाता कमाख्या पांडे की रिपोर्ट। सर, क्या था पूरा मामला? ये विनय जायसवाल हैं, जिनकी उम्र करीब 35 साल है, आयर बाजार के रहने वाले हैं। इनकी शादी वादी नहीं हुई थी और ये 5 भाई हैं, बाकी सबकी शादी हो गई थी लेकिन इनकी नहीं हुई थी। चूंकि इनको थोड़ा नशे का लत था इसलिए शादी नहीं हुई, और रात में इनको किसी धारदार हथियार से इनके सर पर प्रहार करके इनका हत्याकारी की गई है। हम लोग लगे हुए हैं, अभी तक इन्होंने कोई जाहिरा दुश्मनी या कोई जाहिरा अपनी अदावत नहीं बताई है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी घटना का अनावरण हो, और कुछ हम लोगों के पास सूत्र आए हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, घटना कितने बजे की है? घटना रात 2 के बाद की लग रही है, क्योंकि सुबह 4 बजे जब इन्होंने घर वाले बाहर निकले तो ये बरामदे में ही सोते थे पूरे अपने जीवन काल में, तो देखे कि बरामदे में पड़े हुए हैं। सर, मौके पे कोई अन्य थाने की फोर्स आई थी क्या? कई थाने की फोर्स बुलाई गई थी, कोई इसके लिए नहीं कि कोई लाइन ऑर्डर की समस्या है, इसलिए बुलाई गई थी कि एहतियातन कुछ फोर्स की जरूरत है और कुछ काम करने की टीमें बनाने की जरूरत है, इसलिए फोर्स बुलाई गई। सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कुछ लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है जिनसे बातचीत की जा रही है। कोई तहरीर पड़ा सर? अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है, थाने लोग गए हैं तहरीर।